हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ कुमार और आप सभी का वेलकम है आरके एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 10 साइंस में चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के ऑल इंटेक्स क्वेश्चंस इन वन शॉट। जी हाँ, इस पूरी वीडियो में हम जितने भी इंटेक्स क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के वो सारे फिनिश करेंगे। हर एक क्वेश्चन के पीछे जो भी कॉन्सेप्ट है वो समझेंगे और हर एक क्वेश्चन का हम आंसर भी आपको लिखवाएंगे। क्लियर? तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले इंटेक्स क्वेश्चंस आपको मिलेंगे पेज नंबर 6 पर। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिख भी रहा होगा कि व्हाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। मतलब मैग्नीशियम रिबन को एयर की प्रेजेंस में बर्न करने से पहले उसको रब करा जाता है, उसको क्लीन करा जाता है। सो क्यों करा जाता है, ये क्वेश्चन है। तो समझते हैं चलो इसको। तो मान लीजिए ये आपका एक मैग्नीशियम का रिबन है। ये क्या है? एक मैग्नीशियम का रिबन। तो मैग्नीशियम का रिबन जो है, अगर आप मैग्नीशियम की बात करें तो वो क्या है? एक मेटल है और एक हाईली रिएक्टिव मेटल है। मतलब अपने एनवायरनमेंट से बहुत ही जल्दी रिएक्ट कर जाता है। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर जाएगा, मतलब जल्दी रिएक्शन कर जाता है। मतलब एक्चुअल में मैग्नीशियम अकेला खुला हुआ अगर आपने छोड़ दिया तो वो बहुत जल्दी से रिएक्शन कर देता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। तो अब सवाल ये आता है कि हमारी लैब में मैग्नीशियम का रिबन जो है वो तो ऐसे ही रहता है, तो उसको हम कैसे बचाएं एयर से, मतलब एटमॉस्फेयर से, एनवायरनमेंट से हम कैसे बचाएं? तो उसके ऊपर क्या काम करा जाता है कि एक लेयरिंग की जाती है। क्या की जाती है? एक लेयरिंग की जाती है। किसकी लेयरिंग की जाती है? मैग्नीशियम कार्बोनेट की, जो उसे प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम एयर, मतलब हवा से, एयर से, ऑक्सीजन से, कार्बन डाइऑक्साइड से, एनवायरनमेंट से मैग्नीशियम को कौन बचा के रखता है? मैग्नीशियम कार्बोनेट की एक लेयर बचा के रखती है। मैग्नीशियम कार्बोनेट ये इंश्योर करती है कि मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन ना करे और वो बचा रहे, ठीक है, एनवायरनमेंट के साथ रिएक्शन नहीं करे। तो ये एक लेयर होती है जो उसको प्रोटेक्ट करती है ऑक्सीजन से, एयर से। अब तो इस वजह से अगर मान लीजिए हमें मैग्नीशियम रिबन की रिएक्शन करनी है, उसको बर्न करना है, तो हमें मैग्नीशियम रिबन को पहले रब करना पड़ता है। ऐसे करके रब करना पड़ता है, मतलब क्लीन करना पड़ता है। अब रबिंग और क्लीनिंग से हम कर क्या रहे हैं? हम बेसिकली मैग्नीशियम कार्बोनेट की जो लेयर है उसके ऊपर उसको हटा रहे हैं। जब वो मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर हट जाएगी तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीशियम का रिबन बचेगा, ठीक है। सो इस बात को आप लिख भी सकते हैं कि मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड बिफोर बर्निंग इन एयर बिकॉज इट हैज अ मैग्नीशियम कार्बोनेट विच प्रोटेक्ट मैग्नीशियम थ्रू एयर। क्लियर? सो मैग्नीशियम कार्बोनेट की एक लेयर होती है उसके ऊपर जो मैग्नीशियम को प्रोटेक्ट करती है एयर से, एनवायरमेंट से। इतनी बात समझ में आती है? तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, जल्दी से इसको नोट करिए। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए हटाएं। अच्छा, सेकेंड क्वेश्चन देखें अपनी स्क्रीन पर। तो सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या है कि राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। सो पहला पार्ट है कि हाइड्रोजन प्लस फ्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। सो हम कर रहे हैं दूसरा क्वेश्चन का पहला पार्ट। हाइड्रोजन एक गैसियस है, सो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन अगेन ये भी एक गैस है, गिव्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। क्लियर? सो H2 प्लस Cl2 गिव्स HCl। अब यहाँ पर उसने कहा है कि इस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो मेरे भाई बैलेंस कैसे करते हैं? यहाँ पर दो है, यहाँ पर एक एक, यहाँ पर सिंपली दो लगा देना है। अब हाइड्रोजन के दो, क्लोरीन के दो, हो गई बैलेंस। तो ये हो गया पहला पार्ट। सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है? बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड BaCl2, ये क्या है आपका? बेरियम क्लोराइड तो सॉल्यूशन प्लस आपका एल्यूमिनियम सल्फेट मतलब कि Al2SO4 का होल थ्राइस, ये आपका एल्यूमिनियम सल्फेट है। एल्यूमिनियम सल्फेट गिव्स क्या बनाएगा भाई? दिमाग लगा के बताते हैं। आगे वैसे इसने क्वेश्चन में दे रखा है कि बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है। बेरियम सल्फेट BaSO4 या आपका बेरियम सल्फेट है, और आपका क्या बनाता है? एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3।
एल्यूमिनियम क्लोराइड, क्लियर। सो ये हमारा हमने लिख दिया केमिकल रिएक्शन जो उसने दे रखी थी कि बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करके बना रहा है बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड को, क्लियर। अब हमें क्या काम करना है, इसको बैलेंस करना है। तो बैलेंस कैसे करते हैं, पहले रिएक्टेंट साइड में देख लो रिएक्टेंट। अगर आपको बैलेंस करना नहीं आता तो अगेन मैं एक वीडियो बना चुका हूँ बैलेंसिंग के ऊपर, जिसमें मैंने ट्रायल एंड एरर मेथड बताया है, जिसकी मदद से आप किसी भी केमिकल इक्वेशन को विद इन 5 मिनट बैलेंस कर सकते हो, क्लियर। सो इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर यहाँ पर मैंने सजेस्टेड वीडियो में भी उसका लिंक दे रखा है, क्लियर। सो जल्दी से जाइए उस वीडियो को देखिए और केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने का जो काम है उसे आसान बनाइए। तो चलिए यहाँ पर अब देखते हैं। सो रिएक्टेंट में क्या क्या है, देखो एक तो आपका BA हो गया, एक आपका CL हो गया, और एक आपका AL हो गया, और एक SO4 को पूरा मैं एक साथ ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया आपका AL और SO4। सो रिएक्टेंट में BA कितने हैं, एक, CL कितने हैं, दो, एल्यूमिनियम कितने हैं, दो, और SO4 कितने हैं, तीन। समझ में आता है, ये आपका रिएक्टेंट होता है। अब बात करते हैं प्रोडक्ट की, अब बात करते हैं प्रोडक्ट की। BA कितना है, एक, SO4 कितना है, एक, एल्यूमिनियम कितना है, एक, और CL कितने हैं, तीन। तो यहाँ पर हमें क्या काम करना है, ये तो बैलेंस है, यहाँ पर दो, यहाँ पर तीन, तो मतलब यहाँ पर तीन की मल्टीप्लाई, यहाँ पर दो की मल्टीप्लाई, यहाँ पर दो की मल्टीप्लाई और यहाँ पर तीन की मल्टीप्लाई। आई बात समझ में, ध्यान से देखो, ये 1 1, यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 3 था, तो मैं यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई करी, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई करी। तो जल्दी से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 मतलब यहाँ पर आएगा 3, क्लियर। उसके बाद BA के आगे कुछ नहीं लगाना, CL के आगे मैंने 3 लगा दिया, एल्यूमिनियम के आगे कुछ नहीं लगाना, SO4 के आगे कुछ नहीं लगाना। प्रोडक्ट में देखो, BA के आगे कुछ नहीं लगाना, क्लोरीन के आगे क्या लगाना है, 2, मतलब यहाँ पर लगाना है 2, एल्यूमिनियम के आगे क्या लगाना है, 2, तो सिंपली यहाँ पर लिख दिया 2, और SO4 के आगे क्या लगाना है, 3, मतलब यहाँ पर लगा दिया 3। तो देखिए जरा केमिकल जो रिएक्शन है हमारी बैलेंस हो गई, 3 BA 3 BA। उसके बाद 3 2 6 क्लोरीन, 3 2 6 क्लोरीन। उसके बाद एल्यूमिनियम 2 हैं, एल्यूमिनियम 2 हैं, SO4 3 हैं, SO4 3 हैं, क्लियर हुआ। तो ये आपकी केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो गई, इसको हटा देते हैं, क्लियर। अच्छा तीसरा पार्ट देखें क्या है, तीसरा पार्ट है सोडियम प्लस वाटर, मतलब कि Na प्लस H2O, ठीक है। ये आपका सोडियम हो गया और ये आपका H2O हो गया, क्या बना रहे हैं भाई, ये बना रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस हाइड्रोजन, NaOH प्लस हाइड्रोजन, क्लियर। ये आपका एक्वा सोल्यूशन, क्लियर हो। सो ये आपका तीसरा पार्ट है इसका, अगेन इसको भी बैलेंस कर लेते हैं। ये है आपका Na, यहाँ पर Na, H यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर हैं 3, यहाँ पर हैं 2, ठीक है। तो इसको कैसे बैलेंस करेंगे, जरा ध्यान से देखें, मैं H2O को ऐसे लिख सकता हूँ भाई, H2O है तो उसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बड़ा आया नहीं आया, H2O। अब यहाँ पर OH एक, यहाँ पर एक, H वहाँ पर दो हैं तो यहाँ पर दो लगा दिया, यहाँ पर दो लगा दिया, यहाँ पर दो लगा दिया और यहाँ पर दो, क्लियर। सो केमिकल रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। अगेन अगर आपने बैलेंसिंग नहीं आती तो यार उस वीडियो को देखो, मज़ा आ जाएगा तुम्हें, क्लियर। देखो सोडियम दो है, सोडियम दो, OH दो है, OH दो, H2 दो है, H2 दो, केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो गई, ठीक है। इसको नाम भी दे दो, ये सोडियम है, ये आपका पानी है, ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है और ये आपका हाइड्रोजन है, क्लियर। जल्दी से नोट करें, ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन, क्लियर। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की, जल्दी से नोट करें। सो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। सो क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप ध्यान से देख रहे हैं स्क्रीन पे, सो क्वेश्चन नंबर 3 है कि राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। सो पहला पार्ट देखिए क्या है, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो ध्यान से समझने की कोशिश करिए कि BaCl2 का एक्वस सोल्यूशन है। एक्वस सोल्यूशन क्यों कहा मैंने, क्योंकि उस क्वेश्चन में लिखा है कि सोडियम सल्फेट इन वाटर, मतलब पानी के साथ एक सोल्यूशन बना रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर मैंने एक्वस सोल्यूशन डाला है। दूसरा कौन सा है, सोडियम सल्फेट का,
सोडियम सल्फेट क्या होता है, Na2SO4। इन चीज़ों को याद रख लो, ठीक है, इन चीज़ों को याद करो कि सोडियम सल्फेट किसे कहते हैं, बेरियम सल्फेट किसे कहते हैं, बेरियम क्लोराइड किसे कहते हैं, इन चीज़ों को याद करो। तो ये क्या है आपका, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड। ये क्या है, ये आपका है सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। रिएक्शन हुई इन दोनों की, क्या दे रहे हैं आपको, ये दे रहे हैं आपको BaSO4 बेरियम सल्फेट प्लस आपको मिल रहा है सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम क्लोराइड, क्लियर। सो ये केमिकल रिएक्शन है हमारे पहले पार्ट की। अब इसको बैलेंस करना है, क्या करना है मेरे भाई, बैलेंस करना है। तो बैलेंस के लिए अगेन रिएक्टेंट लिखो, यहाँ पर प्रोडक्ट लिखो, उसके बाद यहाँ पर जो जो एलिमेंट है उन्हें लिख लो, क्या है, Ba है, Cl है, Na है और SO4 है। SO4 को मैं पूरा एक मान रहा हूँ। तो देख जरा, Ba रिएक्टेंट में कितना है, एक, प्रोडक्ट में कितना है, एक, Cl कितने हैं, दो, यहाँ पर कितने हैं, एक, Na कितने हैं, दो, यहाँ पर कितना है, एक, SO4 यहाँ कितना है, एक, एक, वहां पर कितने हैं, SO4 एक, ठीक है। देख ये तो बैलेंस है, यहाँ पर टू है, यहाँ पर वन है, बड़ी ना इंसाफी, टू से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। यहाँ पर टू है, यहाँ पर वन है, बड़ी ना इंसाफी, टू से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। यहाँ पर वन वन, ये तो वन वन, ये तो बैलेंस है। तो रिएक्टेंट में किसी में कोई मल्टीप्लाई नहीं करनी, प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करनी है, Ba में करनी है, नहीं करनी, Cl में करनी है, हाँ, टू से मल्टीप्लाई करनी है, सोडियम के टू से मल्टीप्लाई करनी तो हो गई, SO4 में कोई मल्टीप्लाई नहीं करनी, और मेरे हिसाब से केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो गई है। एक बार चेक कर लें, जरूर चेक करते हैं। Ba कितना है, एक, वहाँ पर कितना है, एक, Cl यहाँ पर कितना है, दो, वहाँ पर कितना है, दो, सोडियम कितने हैं, दो, यहाँ पर कितने हैं, दो, SO4 एक, SO4 एक, क्लियर है जी, बैलेंस है, जल्दी से नोट करें, ये हमारा पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट देखें, चले हटें, इसका दूसरा पार्ट देख रहे हो अगर आप स्क्रीन पर, तो क्वेश्चन देखें क्या है, एक सेकेंड, हाँ, तो दूसरा पार्ट देखें क्या है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन इन वाटर। इन वाटर का क्या मतलब है, इन वाटर का मतलब एक्वस सॉल्यूशन है उसका। तो देखें ध्यान से क्या है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं, NaOH, इन वाटर मतलब कि एक्वस सॉल्यूशन, ये आपका हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। उसके बाद वो किसके साथ रिएक्शन करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्या कहते हैं, HCl, क्या कहते हैं, HCl, ये आपका हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये दोनों रिएक्शन करते हैं और क्या बनाते हैं आपको, ये बनाते हैं आपका सोडियम क्लोराइड एंड वाटर, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर, NaCl, ये आपका बन गया सोडियम क्लोराइड और बोले तो पानी, बोले तो पानी, क्लियर। सो ये आपकी केमिकल रिएक्शन है, इसको अब बैलेंस काम बैलेंस करना है। सो बैलेंस कैसे काम करते हैं, जल्दी से देखें मैं आपको बता देता हूँ। रिएक्टेंट लिखा, प्रोडक्ट लिखा, जो जो एलिमेंट है उन्हें लिख लिए, NaOH को मैंने एक मान लिया, ठीक है, OH को मैंने एक मान लिया, उसके बाद H, उसके बाद Cl, Na कितने हैं रिएक्टेंट में, एक, OH कितने हैं, एक, H कितना है, एक, Cl कितना है, एक, प्रोडक्ट में देखो सोडियम कितना है, एक, OH देखो ये रहा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ HOH, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, ये कोई टेंशन की बात ही नहीं है, जी 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 जी, वन, एच कितना है, एक, Cl कितना है, एक, अबे ये तो बैलेंस है, अबे ये तो बैलेंस है, काय को टेंशन ले रहा है, बैलेंस है, छाप तो। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट इंटरेस्ट क्वेश्चन मिलेंगे पेज नंबर 10 पर। सो अगर आप ध्यान से देख रहे हैं स्क्रीन पे, तो ये रहे आपके दो क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग,
पहला पार्ट है इसका नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट फॉर्मूला। दूसरा पार्ट है राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन अबव विद वाटर। क्लियर। देखे क्या है, उसने क्वेश्चन में कहा है कि एक्स एक सब्सटेंस है जो वाइट वॉशिंग के लिए यूज करा जाता है, उसका नाम बताओ और उसका केमिकल फॉर्मूला लिखो। ये तो पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट ये है कि उसके पानी के साथ क्या रिएक्शन होगी वो भी बताओ। तो अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो चैप्टर में अगर हम ध्यान से देखें तो वाइट वॉशिंग करने के लिए जो हमें कंपाउंड यूज़ होता है उसको हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। हिंदी में आसान भाषा में कहवे हैं चूना। क्या कहवे हैं? चूना। ध्यान से देखो, हम कर रहे हैं पेज नंबर 10 के इंडेक्स क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट। क्या पूछ रहा है कि उसका नाम बताओ और उसका केमिकल फॉर्मूला बताओ। तो एक्स जो कंपाउंड है वो बेसिकली है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड इसको और नामों से जाना जाता है, जैसे लाइम, क्विक लाइम। ठीक है, लाइम और क्विक लाइम, हिंदी में इसे कहते हैं चूना। चूना, ठीक, हिंदी में कहते हैं इसे चूना। चूना लगा दिया, चूना। ठीक, इतनी बात समझ में आती है। अच्छा, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा? तो इसका केमिकल फॉर्मूला है, यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, केमिकल फॉर्मूला है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। ठीक, सेकेंड पार्ट ये है कि राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन अबव विद वाटर। मतलब ये जो है कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा। तो देखो भाई, ये है आपका CaO जो ज़्यादातर सॉलिड की फॉर्म में मिलता है, कि चूना पाउडर है सॉलिड की फॉर्म में मिलता है। तो ये आपका हो गया कैल्शियम ऑक्साइड। आपने इसके अंदर पानी डाला, क्या डाला भाई? पानी। तो क्या बनेगा, क्या बनेगा? CaOH का होल ट्वाइस। क्या बनेगा? CaOH का होल ट्वाइस। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका भी एक और नाम है, इसका घर का नाम है स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम, स्नेक लाइम नहीं, स्लेक्ड लाइम। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? लाइम या फिर क्विक लाइम। इतनी बात समझ में आती है। अब एक चीज़ और याद रखिए, एक छोटी सी, अगेन एक छोटी सी अलग सी इन्फॉर्मेशन आपको और दे देता हूँ कि ये जो रिएक्शन है ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये रिएक्शन कैसी है? ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है मतलब कि चूने में अगर आप पानी डालते हो तो वहाँ पर हीट निकलती है मेरे भाई, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, तो ये सॉरी तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, जल्दी से इसे नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हटाएं, चलिए हटाएं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि व्हाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7 डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर, नेम दिस गैस। तो अगर आपने एनसीईआरटी बुक को खोल रखा होगा तो एक्टिविटी 1.7 है, तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं एक्टिविटी 1.7 क्या है। तो मैं आपको यहाँ समझाता भी हूँ क्या है। देखिए यहाँ पर क्या है कि दो टेस्ट ट्यूब हैं ऐसे करके, thank you।
तो ये एक एक्टिविटी है आपकी 1.7 में। इसमें देखो क्या है, टेंशन की बात नहीं है, आराम से समझो। यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड हैं, ये क्या है, ये डंडी डंडी सी, ये क्या है, ये जो डंडी डंडी सी लगा रखी है, इनको क्या कह रहे हैं हम, इनको हम कह रहे हैं इलेक्ट्रोड। क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रोड। एक कार्बन की इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड है, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या भर दिया है, पानी विद सल्फ्यूरिक एसिड। तो हुआ क्या है कि हमने इसको इलेक्ट्रिक करंट पास करी है और पानी को क्या काम करा है, इलेक्ट्रोलाइसिस करा है। यहां पर एक्चुअल में हमने क्या काम करा है, हमने करा है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। पानी का क्या काम करा है, इलेक्ट्रोलाइसिस करा है, मतलब हमने पानी को तोड़ा है किसमें, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रो का क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रिसिटी। और लाइसिस का क्या मतलब होता है, तोड़ना। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक, और इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की मदद से किसी कंपाउंड को तोड़ना, उसको इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। फिर से बोलो किसी कंपाउंड को इलेक्ट्रिसिटी की मदद से तोड़ना, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। तो इस एक्टिविटी में हमने क्या काम करा है, हमने ऑक्सीजन को इलेक्ट्रिसिटी की मदद से तोड़ा है। अच्छा, जो पानी है वो किस में टूटेगा, हाइड्रोजन में टूटेगा और ऑक्सीजन में टूटेगा। नाइट्रोजन में तो टूटेगा नहीं भाई, आपका पानी जो है, पता है ना पानी क्या होता है, H2O। तो हाइड्रोजन गैस में टूटेगा और ऑक्सीजन गैस में टूटेगा। तो इस एक्टिविटी में वही हुआ है, यहाँ पर दो टेस्ट ट्यूब लगा दी गई है, एक टेस्ट ट्यूब ये रही और एक टेस्ट ट्यूब ये रही। एक टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन गैस भरी गई और एक टेस्ट ट्यूब में ऑक्सीजन गैस को भरा गया। तो जब ये देखा गया कि जो हाइड्रोजन गैस है वो ज़्यादा निकली और ऑक्सीजन गैस है वो कम निकली, तो इस क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि ऐसा क्यों हुआ। अब तुम ही बता दो क्यों हुआ। इसलिए हुआ कि जो आपका पानी है, इसके अंदर जो हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन का रेशियो है वो कितना है, 2:1। मतलब हाइड्रोजन जो है वो 2 है और ऑक्सीजन 1 है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि हाइड्रोजन ज़्यादा फिल हो गई और ऑक्सीजन कम फिल हो गई। बस ये आंसर है। तो इसलिए जल्दी से इसे लिख लीजिए, क्लियर हुआ। आप यहाँ पर भी लिख भी सकते हैं कि वाटर कंटेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस इन 2:1। That's why hydrogen gas is more than oxygen gas. Clear? So समझ में आया कि water जो है वो contain करता है hydrogen and oxygen gas in 2:1। That's why hydrogen gas is more than ऑक्सीजन गैस। क्लियर। सो ये आपका आंसर था और ये थे आपके पेज नंबर 10 के इंटेक्स क्वेश्चन के आंसर्स। अब नेक्स्ट पेज, सो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट इंटेक्स क्वेश्चंस आपको मिलेंगे पेज नंबर 13 पे। सो पहला क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखें कि व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नील इज डिप्ड इन इट। मतलब जो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है उसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है अब जब आयरन की रॉड को उसके अंदर डिप करते हैं, तो ऐसा क्यों होता है वो हमें समझाना है। अब ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं हम। व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। मतलब क्या हुआ कि मान लो ये एक टेस्ट ट्यूब है और इसके अंदर हमने क्या भर रखा है, ये क्या है, ये आपका कॉपर सल्फेट है। क्या है भाई, कॉपर सल्फेट। अब इसके अंदर हमने क्या काम कर दिया, हमने एक आयरन की नेल डाल दी। आयरन नेल बोले तो, अरे लोहे की कील, आयरन की नेल डाल दी। क्या डाल दी, आयरन की नेल डाल दी, ऐसे करके। ये आयरन की नेल है। तो हुआ ये कि ये जो कॉपर सल्फेट था इसका कलर चेंज हो गया। इसका जो कॉपर सल्फेट था इसका क्या हो गया, कलर चेंज हो गया। यहाँ पर कलर क्या हुआ, चेंज हो गया। तो भाई मेरे, अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो आप भी जानते हो करैक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट,
आर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, मतलब ये दिखाती हैं कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई है, तो यहाँ पर कलर चेंज हुआ है, इसका मतलब समझ जाओ कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई है। अब केमिकल रिएक्शन कौन सी हुई सर जी, मैं फालतू की बात कर रहा हूँ, नहीं मेरे भाई केमिकल रिएक्शन हुई है। अब देख कौन सी हुई है, कॉपर सल्फेट, हम कर रहे हैं पेज नंबर 13 का पहला क्वेश्चन। सो कॉपर सल्फेट मतलब CuSO4 का सोल्यूशन है, तो एक्वस लिख दिया मैंने, ठीक है। कॉपर सल्फेट क्या है, ये कॉपर सल्फेट, इसके अंदर हमने डाल दिया आयरन, हमने क्या डाल दिया, आयरन डाल दिया, ठीक है। हाँ तो ये हमारा हो गया आयरन गिव्स। तो देखो जरा ध्यान से दिमाग लगाओ, जो आयरन है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। अगर आप यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज देख पा रहे हैं तो रिएक्टिविटी सीरीज में ध्यान से देखो, जो कॉपर है वो हाइड्रोजन के नीचे आ रहा है और जो आयरन है वो हाइड्रोजन के ऊपर आ रहा है, मतलब जो आयरन है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो यहाँ पर क्या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं हो जाएगी, ये जो आयरन होगा क्या इस कॉपर को डिस्प्लेस नहीं कर देगा, दिमाग लगाओ, इसको डिस्प्लेस कर देगा मेरे भाई, और डिस्प्लेस करके क्या बनाएगा, FeSO4 फेरोसल्फेट प्लस कॉपर, क्लियर। तो यहां पर केमिकल रिएक्शन हुई है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है। यहां पर कॉपर सल्फेट का कलर था और यहां पर कि ये किसका कलर है, ये किसका कलर है, ये FeSO4 का कलर है। आई बात समझ में, तो यहां पर क्या हो रही है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्या हो रही है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगेन अगर आपको सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं पता तो मैंने एक वीडियो बना रखी है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और यहां पर सजेस्टेड वीडियो में भी मैंने आपको दिखा दिया है। जल्दी से नोट करें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 हटाएं, दिख रहा होगा स्क्रीन पर आपको, इसको हटा देते हैं। चल हाँ, तो भाई मेरे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, कि गिवन एग्जांपल ऑफ द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन द वन गिवन इन एक्टिविटी 1.10। तो मतलब क्या कहा है कि एक्टिविटी 1.10 में एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल दे रखा है, तो उसको छोड़ के कोई दूसरा एग्जांपल बताओ। तो देखो जरा, इतनी बड़ी कोई बात नहीं है, Na2CO3 प्लस CaCl2, इसे क्या कहे हुए हैं, इसे कहे हुए हैं सोडियम कार्बोनेट, फिर से बोलो सोडियम कार्बोनेट, इसको कहते हैं कैल्शियम क्लोराइड, रिएक्शन हो गई, रिएक्शन देखो ध्यान से, अगेन रिएक्टिविटी सीरीज को ध्यान से देखो, सोडियम कैल्शियम से ज़्यादा रिएक्टिव है तो ये इसको डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है, ये इसको क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो ये बना आपका NaCl2, क्लियर, एक सेकेंड, सॉरी NaCl प्लस CaCO3, ये आपका है कैल्शियम कार्बोनेट और ये आपका है सोडियम क्लोराइड। अब इसका बैलेंसिंग का काम आपके होमवर्क है, इसको बैलेंस करना, ठीक है। तो ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, इसी का क्वेश्चन नंबर 3 है, कि आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो जल्दी से नोट कर लीजिए, चल हटाए, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, कि आपको दो रिएक्शन दे रखी हैं और आपको ये बताना है कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है और कौन सा रिड्यूस हुआ है। तो पहला पार्ट है Na प्लस O2 गिव्स NaO2, सॉरी क्लियर, NaO2 गिव्स NaO2। तो ऑक्सीडेशन का क्या मतलब था, अगर आप ध्यान से देखें, ऑक्सीडेशन का मतलब था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन का ऐड होना या फिर
रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें रिडक्शन का, तो ठीक इसका उल्टा था, एडिशन था किसका, हाइड्रोजन का, और रिमूवल था ऑक्सीजन का। आई बात समझ में? सो ये डेफिनेशन थी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की। अगर आप ध्यान से देखें तो ये Na में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, यहां पर क्या है, एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन का, मतलब ये क्या है, ऑक्सीडेशन। ये क्या है, ऑक्सीडेशन, मतलब ये कि ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, सोडियम ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है किसमें, सोडियम ऑक्साइड में। तो आप लिख सकते हैं कि जो Na है इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू Na2O। अगर ये ऑक्सीडाइज हुआ है तो ये रिड्यूस हुआ है, ऑब्वियसली बात है। तो O2 इज रिड्यूस्ड इनटू Na2O, क्लियर। जल्दी से नोट करें, नेक्स्ट पार्ट देखें, इसका हटाएं। नेक्स्ट पार्ट देखें क्या है कि CuO प्लस H2, CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2O, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर क्या हो रहा है भाई, रिमूवल हो रहा है ऑक्सीजन का। देखो यहां पर ऑक्सीजन था, यहां पर ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन का क्या हो गया, रिमूवल हो गया। तो यहां हो गया ऑक्सीजन का रिमूवल, बोले तो रिडक्शन, और यहां पर क्या हो गया, ऑक्सीजन का एडिशन। एक सेकेंड, CuO प्लस H2 है, ये H2O नहीं है, ठीक है, गैस में। तो यहां पर हुआ है एडिशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीडेशन। जो ऑक्सीडेशन करता है वो ऑक्सीडाइज होता है, जो रिडक्शन करता है वो रिड्यूस होता है, मतलब CuO इज रिड्यूस्ड इनटू Cu, और H2 इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू H2O, H2O, क्लियर हुआ, समझ में आया, जल्दी से नोट कर लीजिए। सो यहाँ पर हमारे इंटेक्स क्वेश्चन के सारे जो सॉल्यूशंस हैं वो होते हैं, और इसी के साथ ये वीडियो भी फिनिश होती है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो और सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए हों विद कॉन्सेप्ट, क्लियर। फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही वीडियो के साथ, जब तक के लिए गुड बाय।